पिछले 22 माह में क्या हुआ है। क्रिमिनल ग्रोह जो कि शरीफों पर और मजारियों के ऊपर मुश्तमिल है, ये रियासत का पैसा था जो इनकी जेबों में गया हुआ था और रियासत के अदारों से ही इन्होंने उसको माफ करवा लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, बहुत मेहरबानी आपकी कि आप तशरीफ लाए। आज आखिरी दिन है जबकि हम सियासत पे बात कर सकते हैं आइंदा दो दिनों के लिए, परसों इलेक्शंस हैं। आई होप एंड प्रे के खैरियत से हो जाए। तो इस सिलसिले में हम चाह रहे थे कि कुछ पिछले 22 महीनों का इहाता करें। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी, हाउ मेनी आर देयर हु कैन नॉट अंडरस्टैंड उर्दू? टू ऑफ यू। सो यू वांट मी टू बीफ यू लेटर और श्योर? ऑलराइट, थैंक यू। हम चाह रहे थे कि कुछ इन 22 महीनों का इहाता करें आपके साथ, और मैंने यहाँ तकलीफ दी थी अहमद अवैस साहब को, हमारे फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के और खान साहब के करीबी साथियों में रहे हैं। फिर मैंने तकलीफ दी थी ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब को, जो फॉर्मर डीजी नायब हैं और फॉर्मर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर खान ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। और मैंने सेनेटर वलीद इकबाल साहब को बुलाया था, ये चेयरमैन है सेनेट की कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के। तो ये अपने अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ब्रीफ करेंगे, मैं कुछ जनरल आपके साथ चीजें शेयर करूंगा इन द कॉन्टेक्स्ट के पिछले 22 माह में क्या हुआ है इस मुल्क में और पीटीआई के साथ क्या हुआ है, खासकर किस किस तरीके से हमें तशद्दुद का, जबर का, जुल्म का, अपस्ताइयत का निशाना बनाया गया है। और इन हुकूमतें, ये दो हुकूमतें जो आई हैं, एक पहली हुकूमत पीडीएम की और अब ये जो हुकूमत है, इनकी परफॉर्मेंस इसी अरसे में क्या रही है। सो ये कुछ 4-5 मिनट में लूंगा। सो आई होप योर पेशेंट एज आई गो थ्रू दिस ट्रांसक्रिप्ट। सबसे पहला जो रजीम चेंज ऑपरेशन का जो मकसद था, वो इस क्रिमिनल ग्रोह जो कि शरीफों पर और मजारियों के ऊपर मुश्तमिल है, ये चाहते थे कि अपने जो इनके खिलाफ करोड़ों रुपए के मुकदमात हैं उनका खात्मा किया जाए। सो सब हुकूमत में आने के बाद, पीडीएम की हुकूमत की तश्कील के फौरन बाद, इन्होंने नैप को और एफआईए को, इन अदारों को एक्सप्लॉइट करके 1100 बिलियन रुपीस के जो मुकदमात थे वो अपने ऊपर ख़त्म कराए। ये रियासत का पैसा था जो इनकी जेबों में गया हुआ था और रियासत के अदारों से ही इन्होंने उसको माफ करवा लिया। जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, तो जो 14-15 माह ये हुकूमत में रहे, इकॉनमी जो कि हम 6.1% के ऊपर छोड़ गए थे, वो माइनस में चली गई थी उन 15-16 महीनों में। जो आपकी महंगाई थी कि शरह जो थी, वो पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट जो अब है वो है 48%, वो भी इन्हीं के दौर में हुई। और कंसिक्वेंटली जो मुल्क की 25% आबादी है वो खतरे गुर्बत से नीचे चली गई, मजीद 25% आबादी जो है वो मजीद नीचे चली गई। इसके अलावा इक्तदार पर काबिज रहने के लिए इन्होंने आईन और कानून के साथ खिलवाड़ किया, अपने तमाम जो दौर हुकूमत था उसमें कोई देर ऐसा नहीं गुजरा कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से आईन की पास जो है वो ना की हो। और इसके अलावा इनकी सरपरस्ती में तरीके इंसाफ के ऊपर उसका एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। हमारे तमाम जो हामी थे, जो हमारे वर्कर्स थे, हमारे मारे गए, उनकी फैमिलीज को हैरस किया गया, उनको इंप्रिजन किया गया। आज भी हमारे 10 वो मैं कंपनी की तो बाद में बात करते हैं, लेकिन ये जो अरेस्ट हुए जहाँ भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, हमारे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को रोका गया। 25 मार्च का जो लॉन्ग मार्च था उसका 4 लॉन्ग मार्च हुए थे हमारे दौर में, लेकिन हमने किसी किस्म की इंट्रक्शन उनमें नहीं डाली थी। ये लोग आए, उन्होंने अपना मार्च किया और वापस चले गए। सियासी मुखालफीन की गैरकानूनी गिरफ्तारियां, रहायश गांव पर छापे और जेर हिरासत तशद्दुद जो है, ये सामने आया किया गया। और बानी चेयरमैन इमरानखान समेत सीनियर क्यादत पर बगावत और दहशतगर्दी जैसे मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए, आज भी उनका सामना कर रहे हैं।
मुल्क के साबिक वजीर आजम के ऊपर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक दो और अटैक्स जो वो प्लान्ड थे जिनको कि अबॉर्ट किया गया। 36 घंटे तक प्राइम मिनिस्टर साहब का घर जो था लाहौर में वो अंडर असॉल्ट रहा, रियासत के अंडर असॉल्ट रहा, रियासत का हमला था उसके ऊपर। 36 घंटे तक लगातार जारी रहा वो। हमारे बहुत सारे कारकुनान को पुलिस की कस्टडी में या रियासत की कस्टडी में शहीद किया गया। जिल्ले शाह जो है एक बहुत ही पेनफुल उसकी एक एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ 35 और लोग थे जो कि शहीद हुए इसी अरसे में।